उदयपुर वाटी पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दो आरोपी हुए सरेंडर। उदयपुर वाटी झुंझुनू पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा के निर्देश में चलाए जा रहे अभियान के दौरान उदयपुर वाटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें थानाधिकारी भंवर लाल कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थायी वारंटी आरोपी दिनेश कुमार पुत्र कृपाल सिंह जाट को दादिया थाना सीकर से गिरफ्तार किया है। वहीं दो आरोपियों को पुलिस के पास समय सिलेंडर हो गए हैं। वहीं आरोपी दौड़ूराम पुत्र किशोरी लाल मीणा नयाबाद सीकर, वहीं दूसरा आरोपी राकेश कुमार पुत्र झाडूराम टोडपुरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस दौरान थानाधिकारी भवनलाल कुमावत के निर्देश में काम करने वाले टीम में शामिल कांस्टेबल रामनिवास राजेंद्र सिंह मंजीत ने विशेष भूमिका निभाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।